म्युनिसिपल है वो बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा म्युनिसिपल है। और सबसे बड़ी चीज आज हम देखते हैं यहाँ पर, दानिश ने कहा कि आज जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मैंने सबका नाम नहीं लिया क्योंकि तारुफ आपका सबका ऑलरेडी हो गया और नमाज का वक्त है और उसमें वक्त उतना नहीं है। इस प्रोग्राम के साथ चलने की मुबारक। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सोचा दानिश ने 5-10 लोग इकट्ठे किए होंगे, क्योंकि जब किसी भी पार्टी की बिस्मिल्लाह हो तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को उसके साथ इकट्ठा करना और जोड़ना। जो चीज लेकर हम लोग चले थे, जब 8 मार्च 2020 को हमने पार्टी शुरू की तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि ये बीजेपी की बीटिंग है, यहाँ पर बातें हुई। लेकिन आस्ता आस्ता मैंने कहा तो पता लगता है कि असली कौन और नकली कौन, सही में कौन है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज उठा सकता है और वो कौन है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर सकता है, वो आप लोगों के सामने। और इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपको वक्त को पहचानना, अगर हम वक्त को नहीं पहचानेंगे और वक्त को छोड़ देंगे। हमने जब पार्टी खड़ी की जनाब अल्ताफ बुखारी साहब की सरबराई में तो एक मकसद लेकर गई, कोई सियासत नहीं थी, लोग जेलों में बंद थे, लोग जेलों के अंदर थे और लोगों की सुनवाई किसी जगह पर नहीं हो रही थी। उस वक्त एक ऐसा कदम उठाया गया, आदमी होगा जिसको 370 की तकलीफ नहीं होगी, हर एक आदमी जम्मू कश्मीर का है जिसको 370 की तकलीफ, और हम उस 370 की तकलीफ को दूर करने के लिए चुप नहीं बैठ सकते, हम उसके लिए अपने जो तरीकाकार है उसके मुताबिक हल करना चाहते। मैं यही कहूंगा आप लोगों से, आप लोग मुजमन हो, एक हूं, इकट्ठे हूं, लीडरशिप की आवाज पर लबायक कहें। सबसे बड़ी मजबूरी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की है वो ये है कि एक ऐसा अदारा खड़ा हो जाए जहां से कानून बनाए जाए। और इसलिए मैं इस स्टेज से ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत को जल्द से जल्द यहां पर जमहूरियत शुरू करनी चाहिए और उस जमहूरी अमल को पूरा करना चाहिए सही तरीका से, क्योंकि अगर हमने देखा चाहे बीडीसी बने, डीडीसी बने, पंचायत राज बने, जो हम ठीक राज सिस्टम बने, लेकिन उससे उन मसाइल का हल नहीं हो सकता जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हैं। उसके लिए हमें वो अदारा होना चाहिए जहां पर कानून बने। आज अगर लोग फूड सप्लाई के राशन के लिए, मुझे दानिश बता रहे थे कि यहाँ पर फूड सप्लाई के राशन की दिक्कत है, उसके लिए तड़पते हैं, तो मैं ये कहूंगा जिस तरह हम आज पार्टी का मंशूर बना रहे हैं और आपने सुना भी होगा और मेरे साथियों ने कहा होगा कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आई हम 300 यूनिट बिजली के फ्री उन लोगों को देंगे जो 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 लोग जम्मू कश्मीर के वासी हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा बोझ किसी भी गरीब आदमी के घर में जाओ, किसी के घर में 2000 का बिजली का बिल, किसी के घर में 5000 का, किसी के घर में 1 लाख का बिल। इसी तरह जब हमारी हुकूमत आए तो हम राशन 35 किलो नहीं बल्कि 50 किलो राशन फ्री मुफ्त होना चाहिए, ये हमारे पार्टी के मंजूर हैं। इसी तरह यूथ के लिए एक बाकायदा पॉलिसी और प्रोग्राम होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। आज जहां पर एक वक्त पंचायत लेवल पर या गांव लेवल पर सिलेक्शन होती थी, आज हमें मुल्क की सतह पर सिलेक्शन हो रही है। हमें उसके लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जब तक हम उसके लिए लड़ाई नहीं कर लड़ेंगे हमारे गरीब दूर दराज गाँव के बच्चे जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा, मैं मुख्तर बात कर रहा हूँ क्योंकि नमाज का वक्त है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम आपके साथ हर जगह पर महू मंगत की यहाँ पर बात की मेरे साथी ने, मैं बहुत पहले महू मंगत में आया था लेकिन हवाई जहाज से आया था। उस वक्त जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी हमारी, मैं भी उस वक्त वजीर था और एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि आपने इस एरिया में घूमना है। महू मंगत में भी मैं आया हूँ, खड़ी में भी आया हूँ, मैं पीछे ये जो हमारा उखड़ाल वगैरह है इसमें हर इलाके में आया हूँ। ऐसी बात नहीं कि हम लोग नावाकफ हैं आपके इशू से। आपका जो यूथ का ये स्टेडियम का इशू है, ये हमेशा हर बोर्ड मीटिंग में ये इशू गूंजा, जिसमें मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसी बोर्ड मीटिंग हो जिसमें ये इशू नहीं गूंजा हो।
कोई नॉर्दर्न रेलवे का वहां पर इशू था, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जहां पर भी इसको टेक अप करने की जरूरत पड़ी, चाहे मंगल महोमंगल छोड़ के हम पूरा जितना भी ये सेक्टर जो रेलवे से है, मेरा कहना है, मैंने दिल्ली के अंदर भी दिया कि जो हमारा वैष्णो देवी कटरा से लेकर यहाँ कालीकुंड बनाल तक जो रेलवे का सेक्टर है, इसको टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जाए, ये हमारे मैनिफेस्टो में होगा और इसको हम डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए इको टूरिज्म हो या बाकी चीजें हो, जहाँ पर लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले, वो अपने गेस्ट हाउस बना सके, वो अपने होम स्टे की फैसिलिटीज तैयार कर सके, उसके लिए हम लोगों ने टेकअप किया है। इसी तरह से जो मेजर इशू है, मैं वहां पे यहां पर बात करूंगा, आपके जो लेबर इशू है, मैं दानिश साहब से बात करके, क्योंकि इस वक्त पार्टी की तरफ से हमारे यूनिट में ऐसे तो ये स्टेट को देख रहे हैं, लेकिन खुशी तौर पर मैं इनकी जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो यहां पर बनाल सब डिवीजन के लोगों के इशूज लें, उनकी फ्रिस्ट बनाए, हम श्रीनगर में बैठ कर एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुकाम तक वो इशू ले जाएंगे और आपको भी किसी को तकलीफ देंगे कि वो भी चीज में शामिल हो जाए। इसी तरह मैं यूथ के आपने क्योंकि ये पार्टी का फंक्शन है, मैं हार्दिक वाली साहब से कहूँगा, ये सीनियर है, कि हमारे यूथ के जो दो लीडर यहाँ पर हैं, अपने बुरहान साहब और इफाक साहब, इनकी टीम ये भी यहाँ पर जिम्मेवार होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के अंदर, वाइस चेयरमैन है, दूसरी पोजिशन इसको हम देंगे, ताकि ब्लॉक लेवल पर आप अपनी कमेटी बनाओ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर अल्ताफ साहब मौकफ, जैसे हमने पहले भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और जिस दिन हमने 8 मार्च को पार्टी को लॉन्च किया था और उस दिन भी बताया कि हमारा पहला मौकफ ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक सच की सियासत देना, एक हकीकत की सियासत देना, और हकीकत को लेकर हमें जम्मू कश्मीर को असर नौ तामीर करने के लिए जो अपना एक रोल एज ए सियासी पार्टी अदा करना है, उसके लिए हमें काम करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, एक कि रियासत जम्मू कश्मीर को फिल फोर जो है रियासत का दर्जा दिया जाए, जो IUT है उसको बहाल किया जाए और फुल फ्लेज रियासत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल की जाए, लोगों के ज़मीनों के हकूक़ जो हैं वो तहफ़ किए जाएँ, और उसके साथ साथ जो लोगों के एम्प्लॉयमेंट के राइट्स हैं हमारे लोगों के, उनका तहफ़ किया जाए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम वहाँ पर हमने पार्टी को वजूद में लाया और उस पर काम करना शुरू किया। आपने अपनी तकरीर में बताया सर कि मुझे लगता है कि इंतजामिया किसी हद तक बहुत ज़्यादा नाकाम हुई है ग्राउंड पर लोगों तक रीच आउट करने के लिए, और उस चीज़ की जब एंडोर्समेंट हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर भी एंडोर्समेंट आता है, जब वो यूनियन मिनिस्टर्स को यहाँ भेजते हैं कि आप आउटरीच प्रोग्राम कीजिए, और उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ लोकल रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो लोगों तक पहुँचने में बहुत नाकाम रही है। और स्कीमें पहुँचने की जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को हमने खड़ा किया, हमने म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया, लेकिन वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो दांतों के बगैर था, जिनको दांत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि हर जहाँ पर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चेयरमैन हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई तालमेल नहीं है, और जहाँ पर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों और सरकार और इंतजामिया के बीच में कोऑर्डिनेशन का फेलियर हो, तो वहाँ पर स्कीमों का पहुँचना मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो सकता है। पार्टीज़ के जो लीड, मैं समझता हूँ कि लोग आज समझते हैं कि कौन हकीकत पर है और कौन झूठ पर है, और पार्टियाँ बनाना या पार्टियों के वजूद में अमल में आना पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। जहाँ पर आपकी आइडियालॉजी कहीं पर मैच नहीं करती हो तो आप एक नई आइडियालॉजी को लेकर आगे चलते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक इस चीज़ की गवाही देता है कि वो शख्स जो है अपने आइडियालॉजी को बरकरार रखे हुए हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ, आज तक मैक्सिमम जो पार्टीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम, मैं नेम आउट नहीं करूँगा इस वक्त, लेकिन मैक्सिमम पार्टी अपनी बेसिक आइडियोलॉजी से हट गई। जो बेसिक आइडियोलॉजी, अगर आप लोग यहाँ पर काफ़ी इस शोभा से ताल्लुक रखते हैं, हम उनके बेसिक आइडियोलॉजी को जब स्टडी करते हैं तो वो उस बेसिक आइडियोलॉजी से दूर हटके हैं, और वो एक मैं कहूँगा कि मौका परस्ती की सियासत बहुत सी पार्टियाँ जो हैं वो कर रही हैं। उस सूरत में हमने अपनी पार्टी को एक
हकीकत पसंदी, एक सच और एक ऐसी सियासत देने का रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा दिया है कि जिसका फ़ायदा लोगों पर के नीचे परकुलेट हो जाए। और उसका काम जब हम लोगों ने पार्टी हमने वजूद में लाई, हम लोगों ने आज कोई नए नहीं हैं जो नए खड़े होकर कहें कि हमने पार्टी बनाई है, लेकिन हमने पीछे भी ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है जिसका फ़ायदा लोगों तक और ग्राउंड तक पहुंचा है, और वो चीज़ इस चीज़ को एंडोर्समेंट करती है। तभी लोगों का जब 8 मार्च को जब पार्टी का लॉन्च हुआ तो बहुत सी पार्टियों ने हमारी पार्टी के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन जो मकसद हमारा था कि हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को खड़ा करें जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करे और वहाँ पर पहुँचाए। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि जब 25 जून वाली जो मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर आल पार्टी की हुई, तो वो हमारी वो बात कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट हुई कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव था और वैसा होना चाहिए था, और सब लोग उसी चीज़ में फिर शामिल होने लगे। आज तक हमारा मौका बिल्कुल क्लियर है कि 370 को बहाल करने के लिए जो एक लड़ाई है और जो एक प्रोसीजर है, क्योंकि ना हमारी पार्टी उस वक्त वजूद में थी जब 370 टूटा, तो पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट में ही ये चीज़ें जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं, उसी में ये लड़ाई लड़ी जा सकती है लीगली अगर देखें तो। हम पहले उस मुकाम पर पहुंचें कि जहां पर वो लड़ाई हम लड़ सकें, उसके लिए जमहूरियत का रिस्टोर होना जो है वो सबसे अवलीन तरीका है। आप पीडीपी क्या कहती है, मैं उसको ज़्यादा इलेक्शन हुआ हमने उसमें उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए भी देखा, हमने और चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते देखा, इसलिए मैं उनके किसी लीडरशिप या किसी को निशाना यहाँ नहीं बनाऊँगा। बट कि आप अमल से देखें कि कौन अपने अमल पर बरकरार है और कौन अपने कॉल और सेल से हटता है। सर आज आपका बनिहाल में दौर के लोगों के लिए मेरा बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हम लोग हमेशा इकट्ठे चले, गुल गुलाबगढ़ और बनिहाल कभी एक दूसरे से जुड़ा कभी नहीं हुए, हम इकट्ठे रहे। और तकरीबन सियासत मेरे वालिद साहब से अगर देखें, जब मौलवी साहब यहाँ पर थे उस वक्त, या मेरे और वकार साहब के वक्त का देखें तो उस वक्त का, तो हम लोगों ने एक ही समझ में हम लोग चले। मैं आज भी यही मैसेज देता हूँ कि आज भी अगर हम एक ही समझ में चलें तो मेरे ख्याल में हमारे इस ज़िला रामबन की ज़्यादा अच्छी बेहतरी हो सकती है, और हम अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हैं। आप हमारी सफ़ों में शामिल होइए, हमारे साथ साथ दीजिए ताकि हम इस मकसद और इस मिशन को कामयाब बना सकें।